शिक्षा थी पर अहिंसा का पाठ पढ़ाया। पहले विदेश को घर बनाया, फिर घर को विदेशियों से छुड़ाया, सारे राष्ट्र को एकता का पाठ पढ़ाया। चल पड़ा तो दौड़ पड़े सब, जनता के सहयोग से असहयोग चलाया, सोतों को उसने जगाया, नमक बनाकर भी जीवन में मिठास लाया, गाड़ी नहीं चरखा चलाया, खुद नहीं पहना पर कपड़ा बनाया, भारत से सदा रहा जुड़ा, भारत छोड़ो का नारा लगाया, राम राज की कल्पना कर आखिर में भी हे राम दोहराया। Respected judges and my dear friends, now I am going to speak on one of the most special occasion, the birth anniversary of our legend Mahatma Gandhi ji, a man of simple living and high thinking, fakir by dress and by heart. He became an ordinary barrister to father of nation, who actually fought for freedom of our nation, humanity, untouchability and education. He made everyone believe in power of unity and proved that everything is possible through truth and non-violence. He united the society that divided in regions, religions and castes under one issue, and that was freedom. For this, he launched various movements. Champaran Satyagraha Movement 1917, Khera Movement 1918, Khilafat Movement 1919, Dandi March Civil Obedience Movement 1913, Chauri Chaura Non-Cooperation Movement 1942, Quit India Movement 1942, and with the support of whole nation, he got succeeded. He taught us many life lessons. Like, व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों से नहीं चरित्र से होती है। कोई भी आपकी मर्जी के बिना आपको पर चोट नहीं पहुंचा सकता। ऐसे जिए कि जैसे आपको कल मरना है, और सीखें ऐसे कि आपको हमेशा जीवित रहना है। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। कमजोर लोग कभी माफ नहीं कर सकते, माफ करना मजबूत लोगों की निशानी है। और अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ, गांधी की आंधी एक तूफान बना, अंग्रेजों का शासन मिट्टी में मिला, हमने अपनाना है अब उनको, पूरा करना है गांधी के सपने को, नव भारत की पहचान दुनिया में बनाएंगे, एकता शांति भाईचारा ऐसा हम बढ़ाएंगे, के गांधी जी को फिर से हम गर्व कराएंगे, हम फिर से गर्व कराएंगे। जय हिंद। धन्यवाद।